पिंक कलर यानी लड़कियों का कलर। आम तौर पर इसी सोच के साथ हम महिला दिवस से लेकर जन्मदिन, तीज, त्योहारों पर लड़कियों या औरतों के लिए पिंक कलर की बरसात कर देते हैं। लेकिन ऐसा शुरू से नहीं था। एक वक्त ऐसा था जब पिंक लड़के भी पहनते थे और नीला रंग लड़कियों पर काफी देखा जाता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि रंगों को खेमे में बांट दिया गया। गुलाबी रंग को महिलाओं से जोड़े जाने का इतिहास क्या है, चलिए जानते हैं। तो हुआ यूं कि 1927 में टाइम मैगजीन ने अमेरिका की 10 बड़ी दुकानों में एक सर्वे किया। मैगजीन जानना चाहती थी कि स्टोर कौन से रंगों को लड़के या लड़की से जोड़कर देखते हैं। जवाब काफी मिले जुले से थे। इससे पहले अमेरिका में बच्चे, फिर वो लड़की हो या लड़का, सफेद रंग ज्यादा पहनते थे क्योंकि उन्हें ब्लीच करना आसान होता था। इंटरेस्टिंगली 1918 में तो कई आर्टिकल्स ऐसे थे जिसमें कहा जाता था कि लड़कियों को नीला रंग पहनना चाहिए क्योंकि वो बहुत नाजुक और शिष्ट कलर होता है। लेकिन फिर 50 के दशक में पिंक ने लड़कियों का फेवरेट रंग होने का खिताब हासिल किया। 1953 में ड्वाइट आइजनहार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। जनरल आइजनहार की अगुवाई में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जीत हासिल की थी। राष्ट्रपति बनने से जुड़े एक समारोह के दिन जनरल की पत्नी मैमी आइजनहार शानदार गुलाबी रंग की गाउन पहनकर आईं। मैमी को गुलाबी रंग पसंद था और उन्हें लगता था कि उनके रूप रंग के साथ वो मैच करता है। फिर क्या था, व्हाइट हाउस में गुलाबी रंग ने सफेद रंग को पछाड़ दिया और उसे पिंक पैलेस कहा जाने लगा। अमेरिका के अखबारों में गुलाबी रंग की धूम मच गई। मैमी के गुलाबी रंग प्रेम की चारों ओर चर्चा थी और फिर जैसा कि होता आया है, सेलिब्रिटी ने जो किया उनके फॉलोअर्स भी वो करने लगे। हर किसी के लिए गुलाबी रंग की अहमियत बढ़ गई। महिलाओं ने गुलाबी रंग को अपनी छवि बनाने या बदलने के लिए इस्तेमाल किया। बताया जाता है कि हॉलीवुड की फेमस स्टार जेन मैंसफील्ड ने गुलाबी रंग को अपनी कोमल छवि दिखाने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने पालतू जानवर के बालों से लेकर पर्दे, कार, घर की दीवार, हर चीज को गुलाबी रंग दे दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 50 के दशक की महिलाओं ने इस मार्केटिंग को बहुत ही आसानी से अपना लिया। इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी 1939 से लेकर 1945 तक चला विश्व युद्ध, जब पुरुष युद्ध के मैदान में लड़ रहे थे और महिलाएं फैक्ट्रियों में काम कर रही थी। युद्ध खत्म हुआ तो महिलाओं को दोबारा गुलाबी रंग से लुभा कर घर का काम करने के लिए आकर्षित किया जाने लगा। यहाँ तक कि सैनिटरी पैड्स भी गुलाबी रंग के बनाए गए। विश्व युद्ध से पहले जहाँ महिलाएं नीले रंग के कपड़े पहन रही थी, अब उन्हीं औरतों ने गुलाबी रंग को अपना लिया था। फिर क्या था, बाजारवाद के अभी तक चलते आ रहे सिद्धांत की तरह गुलाबी रंग ने अमेरिका से निकलकर भारत और सभी देशों में अपनी जगह बनाई। दुनिया भर के देशों की लड़कियों ने उन विज्ञापनों के सच को अपना सच समझ लिया जो जोर जोर से गुलाबी रंग की अहमियत बताते हैं और कहते हैं कि गुलाबी रंग से ही आपके अंदर की कोमलता, आपके अंदर की नारी बाहर निकल कर आएगी। हिंदी फिल्मों को ही देख लीजिए, औरतों के खिलाफ होने वाले यौन शोषण पर बनी सुपरहिट फिल्म को पिंक नाम दिया गया। बसपा नेता मायावती का पसंदीदा रंग पिंक है। उन्हें अक्सर गुलाबी रंग के परिधानों में देखा गया है, गुलाबी फूल, गुलाबी केक, गुलाबी घर, गुलाबी जूते। यहाँ तक कि 2012 में उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के आदेश पर बसपा के चुनावी चिन्ह हाथी की प्रतिमाओं को गुलाबी शीट से ढका गया था। महिला ऑटो रिक्शा चालकों को बढ़ावा देने के लिए पिंक ऑटो बनाए गए जिन्हें मर्द चला रहे हैं। उधर अमेरिका की हिलरी क्लिंटन पर भी आरोप है कि वो अक्सर गुलाबी रंग का सहारा लेकर अपनी कोमल छवि दिखाने की कोशिश करती हैं। कुछ साल पहले पीपल मैगजीन के कवर पेज पर क्लिंटन गुलाबी रंग की जैकेट में नजर आईं और इस मैगजीन को दिए इंटरव्यू में क्लिंटन ने उन रुकावटों को तोड़ने की बात कही जो औरतों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। और सोचिए, ये सब कुछ उन्होंने गुलाबी रंग की जैकेट पहनकर कहा। शायद इसे ही कहते हैं आयरनी, विडंबना।